साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका श्रीजी क्लासेज के ऑनलाइन मंच पर। और मैं जेपी चौहान आपके लिए हिंदी की इस कड़ी में शुद्ध अशुद्ध लेकर आया हूँ। अर्थात आज हम जिस प्रकरण पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है शुद्धिकरण। शुद्धिकरण में हम चर्चा कर रहे थे शब्द शुद्धि की, और इसी कड़ी में आज फिर हम शब्द शुद्धि पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ और शुरू हो जाइए शब्दों की शुद्धिकरण को देखने के लिए। चलो देखिए, आज का जो हमारा पहला शब्द है उस पे यदि हम दृष्टिपात करें, उस पे गौर करें, तो लिखा हुआ है अमावस। बोलने को बहुत सी बार बोल दिया जाता है, धड़ल्ले से इसका प्रयोग बोलने में किया जाता है। अमावस का चांद, पूनम का चांद, गीतों वगैरह में अमावस अमावस शब्द। लेकिन वहाँ क्या होता है कि वहाँ स्वायत्तता होती है। कोई रचना जब की जाती है तो वहाँ अशुद्ध शब्दों को भी ले लिया जाता है, अर्थात वहाँ अशुद्ध रूप में प्रचलन शब्दों का प्रयोग भी कर लिया जाता है। किंतु व्याकरण की दृष्टि से ये शब्द हमारे अशुद्ध हो जाएंगे, और ये अशुद्ध हो जाएंगे तो फिर इनका शुद्ध रूप कौन सा है, तो शुद्ध रूप बताने के लिए मैं आपको इधर आया हूँ। तो ज़रा देखिए, पहला शब्द है आपका अमावस। आप लोग खुद ही बताइए कि अमावस का शुद्ध रूप कौन सा होता है। तो आप लोग यहाँ पाएंगे कि अमावस का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है अमावस्या। क्या होता है? अमावस्या। जब महीना शुरू होता है तो उसके 15 दिन बाद अमावस्या आती है, और फिर अमावस्या के 15 दिन बाद पूर्णिमा आती है। तो बीच में अमावस्या आती है महीने के, तो अमावस्या। अंधेरा क्यों अशुद्ध है? मित्रों याद रखना, अंधेरे में अनुस्वार नहीं आता, चंद्रबिंदु आता है। अंधेरा जो शब्द है वो तद्भव शब्द है, बदला हुआ रूप है अंधकार का। तो अंधेरा अनुस्वार वाला नहीं आकर कौन सा आएगा? चंद्रबिंदु वाला आएगा। ये जो एक बिंदी हम लगाते हैं इसको अनुस्वार बोलते हैं, और ये चांद के ऊपर जो बिंदी लगाते हैं इसको चंद्रबिंदु बोलते हैं। ये तो क्या है? चंद्रबिंदु। आप जानते भी हैं कि ये चंद्रबिंदु है, और ये क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार। इन दोनों का जब उच्चारण करते हैं तो ध्वनि मुंह के साथ नाक से भी निकलती है। ये तो हो गई आपके काम की बातें। अजस्र का मतलब क्या होता है? पहले तो अजस्र शब्द अशुद्ध है, फिर शुद्ध कौन सा होगा? अजस्र। अजस्र। मुझे उम्मीद है ये शब्द आपके लिए नया हो सकता है, तो इसका अर्थ भी अगर आप चाहो लिखना तो लिख सकते हो। अजस्र का अर्थ होता है लगातार। अजस्र किसको कहते हैं? निरंतर को कहते हैं, गतिमान को कहते हैं, जो चलायमान है उसको अजस्र कहा जाता है। तो ये चंद्रबिंदु और अनुस्वार आपने देख लिए, मैं इनको तो अब हटा देता हूं। चलो देखिए, अनेकों, खूब सुना होगा आपने भाषणों वगैरह में, पत्र पत्रिकाओं में बहुत सी बार ये शब्द अशुद्ध ही आता है। अनेकों बार बड़े बड़े वक्ता, नेता, प्रवक्ता जो भी होते हैं वो इसको अनेकों ही बोलते रहते हैं। अनेकों बातें, अनेकों बातें, अनेकों घोषणाएं, अनेकों चीजें। कई बार ये शब्द आपको अनेकों ही सुनने को मिलता है जो कि अशुद्ध है। फिर इसका शुद्ध रूप कौन सा है? केवल अनेक। अगर अनेक आता है उसमें ही एक की बात नहीं है, लगभग बहुत सारे लोगों की बात की जाती है अनेक में ही, तो फिर अनेक को बोलने की आवश्यकता कहाँ है? अनेक अर्थ ही है अनेक, जो एक नहीं है। तो इसका शुद्ध रूप कौन सा होगा? केवल अनेक, ना कि अनेकों। आज से आप लोग भी ध्यान देना, अनेकों शब्द को शुद्ध मत मानना। शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा आपका? अनेक हो जाएगा। अनुत्तर क्यों गलत है? अन्य धन उत्तर से शब्द बना है तो त पे ये डंडा आएगा, मतलब डबल त है, आधा त और पूरा त, तो अनुत्तर आपका इस प्रकार सही हो जाएगा। अभिष्ट क्यों गलत है? अभी धन इष्ट से शब्द बना है अभिष्ट। अभिष्ट का मतलब होता है चाहा हुआ, जिसकी चाहत की गई है, जिसको मांगा गया है। अभिष्ट फल की प्राप्ति के लिए आप यज्ञ करवाइए, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। यानी कि जो
फल आप चाहते हैं, जिसकी आप इच्छा रखते हो, उसकी प्राप्ति के लिए आपको यज्ञ करवाना पड़ेगा। अभीष्ट फल, अभीष्ट परिणाम, चाहा हुआ, जिसकी अपेक्षा की गई हो, वो होता है अभीष्ट। अभिप्सा, किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा, और ये भी अभिधन इप्सा से शब्द बना है। दोनों शब्दों में दीर्घ संधि हो रही है। अभीष्ट तो किस प्रकार बना है? अभिधन इष्ट से। अभि का मतलब विशेष होता है और इष्ट का मतलब होता है प्रिय। अभिधन इप्सा, इप्सा का अर्थ क्या होती है? इप्सा का अर्थ होती है इच्छा, विशेष इच्छा, किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा अभिप्सा कहलाती है। और अभिष्ट तो मैं आपको बता चुका हूं। चलो देख लीजिए एक बार सारे शब्दों को, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं। चलो, हाँ, अब आपके सामने शब्द लिखे हुए हैं। अवसान है अपरान, पूर्वान, मध्यान्ह, अभ्यंतर, अनुसूय, अंधिकार और अनाधिकृत। चलो, अवसान में क्या गलती है? तो अवसान में गलती है स की। स कौन सा आएगा अवसान में? गौर कीजिए, अवसान में स आएगा हमारा सलेट वाला, ये वाला आएगा ये। तो अब अवसान किस प्रकार लिखेंगे? अवसान, और अवसान का अर्थ क्या होता है? समाप्ति। किसको बोलते हैं अवसान? समाप्ति को बोलते हैं। कार्य की समाप्ति हो जाए तो कार्यावसान, और दिन की समाप्ति हो जाए तो दिवसावसान, और यदि देह की समाप्ति हो जाए, मृत्यु यदि हो जाती है, तो उसको बोलते हैं देहावसान। तो आप लोगों ने शब्द पढ़ा होगा, सुना होगा, देहावसान, यानी कि किसी की मृत्यु को बोलते हैं क्या? देहावसान, इनकी देह की समाप्ति। अपरान, पूर्वान, मध्यान, तीनों के तीनों बहुत महत्वपूर्ण शब्द है पहले तो, और तीनों का गलत रूप भी बहुत प्रचलन में है। तो शुद्ध रूप कौन सा है, जरा ध्यान देना। अपरान में जो न आधा दिखाई दे रहा है, वो न आधा नहीं आकर वो ह आधा आएगा। क्या आधा आएगा? ह आधा आएगा। तो फिर लिखेंगे कैसे शुद्ध रूप से? एक तो लिखेंगे इस रूप से, अप्रहान। अब ये न अपराहन, ये न आधा है, सॉरी, ह आधा है और न पूरा, जबकि यहां क्या कर रखा था हमने? न को आधा कर रखा था और ह को पूरा कर रखा था। यहाँ ह आधा है और न पूरा है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि जो ध्वनियाँ चिपकी रहती हैं दूसरी ध्वनियों पे, तो चिपकने वाली अर्थात अधूरी दिखाई देने वाली ध्वनि पूरी होती है, और पूरी दिखाई देने वाली अधूरी होती है। जहाँ श्लिष्ट ध्वनियाँ होती है, दो ध्वनियाँ एक दूसरे के चिपकी रहती है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ। जैसे कि मैं आपसे यहाँ बात करूँ प्रदीप की, ध्यान देना शब्द पे। प्रदीप में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि यह प तो पूरा दिखाई दे रहा है, लेकिन र अधूरा ऐसा लग रहा है कि प पूरा है। अगर मैं र को ढक दूं यहां से, तो आप लोगों को पूरा प दिखेगा। ये देखो, ये प प पूरा दिखाई दे रहा है, किंतु ये प पूरा नहीं है साथियों, प आधा है, र पूरा है। इसको अगर दूसरे रूप में मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा? शब्द का विश्लेषण कर रहा हूँ, इसको पूरा खोल के लिख रहा हूँ शब्द को। प्रदीप शब्द को कैसे लिखूंगा? ये पूरे शब्द का विश्लेषण हुआ। दिखाई क्या दे रहा है? प आधा है, इसके बाद कोई स्वर नहीं है। र में अ है, इसका मतलब र पूरा है। द में ई की मात्रा है, ये ई की मात्रा होगी। और प में क्या है? अ है, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन स्वर के बिना अधूरा होता है, और जब वो अधूरा होता है तो उसको पूरा करने के लिए एक स्वर की आवश्यकता होती है। तो आप लोग देख लीजिए, प्रदीप का कुछ विश्लेषण इस प्रकार से हो जाएगा। तो अपराहन में मैं क्या कह रहा हूँ कि ये जो न आधा दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में पूरा है, और जो है पूरा दिखाई दे रहा है, वो वास्तव में कैसा है? अधूरा है। चलो देखिए, अपरान को और कैसे लिख सकते हैं? इसको तो आप देख ही चुके, इसको तो मैं हटाता हूं इधर से। अपरान को और कैसे लिख सकते हैं? चलो देखो, अभी अभी क्या कहा मैंने कि इसमें ह आधा है, ना कि न आधा। तो इसका दूसरा रूप कौन सा हो गया? इस प्रकार भी इसको हम लिख सकते हैं। सेम मामला किसका है? पूर्वान का। पूर्वान में भी कैसे आएगा? आधा न लगा हुआ दिखाई देगा, अर्थात ह तो आधा होगा लेकिन न पूरा होगा।
इसका भी दूसरा रूप कौन सा हो जाएगा? पूर्वाह्न। ये मध्यान्ह को भी देख लो, साथ के साथ ही मध्य धन अहन से शब्द बनता है हमारा मध्यान्ह, दिन का मध्य का भाग, बीच का भाग, और इसको कैसे लिख देंगे? मध्यान्ह। चलो काम की बात एक और बोलूं मैं आप लोगों से, तो वो कुछ ये होगी कि ये जो शब्द बने हैं सारे के सारे अहन लगने से बने हैं, सब में अहन लगा हुआ है, अपर में अहन लगा हुआ है, अपर धन अहन। आशा करता हूं कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर ऊपर ज्यादा ही ऊपर हो गया, मैं जरा इसको इधर लाता हूं नीचे। यहां देखो आप लोग इसको समझ लो, फिर मैं इसको हटा दूंगा मिटा दूंगा। तो क्या लिखा मैंने? अपर धन अहन। और अपर धन अहन में आप लोग गौर करिए कि यहां अहन के न में हलंत है, यहां तो अहन के न में हलंत है, लेकिन ये जब जुड़ेगा इससे शब्द क्या बनेगा? अरे वही बनेगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। जब तक दोनों शब्द अलग अलग थे तो न में हलंत था अहन में, लेकिन जुड़ने के बाद एक बहुत बदलाव, आमूलचूल एक बदलाव हुआ है इसमें। और बदलाव क्या हुआ है? बदलाव ये हुआ है कि जो हलंत न पे था वो अपने आप ह पर आ गया। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि ये न से ह पे कैसे आ गया? तो इसका कारण है उच्चारण। इसका कारण क्या है? उच्चारण इसका कारण है क्योंकि जब हम अहन को बोलते हैं तो अहन अहन, अब यहाँ अ को बोला हमने, ह को बोला, लेकिन न पे थोड़ा सा अटकते हैं, जबकि अपराहन को बोलते हैं तो न पे पूरा जोर लगाते हैं, अपराहन ना कि अपराह, अपराह नहीं बोलते, जबकि अहन को तो अह बोल के भी काम चला सकते हैं, लेकिन अपराहन को अपराहन न का पूरा उच्चारण करने के कारण ये हलंत किस पे आ जाता है? ह पर आ जाता है। और सही शब्द हमारा कौन सा हो जाता है? अपराह्न। हमारा ये भी सही है, बाकी ये तो सही है ही सही, तो आप लोग ध्यान देना। इसी प्रकार पूर्व में अहन लगने से पूर्वान ये बना, और मध्य में अहन लगने से भी मध्यान्ह बना है, याद रखेंगे बात को। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला शब्द है कौन सा? अभ्यांतर। तो पहली बात तो अभ्यांतर शब्द गलत है, बिल्कुल गलत है। सही कौन सा होगा? क्योंकि हम इधर अशुद्ध ही पढ़ रहे हैं तो इधर शुद्ध पढ़ेंगे। अभ्यंतर होता है, और अभ्यंतर का मतलब क्या होता है? अभ्यंतर का मतलब होता है आंतरिक से। अभ्यंतर किसको बोलते हैं? आंतरिक को बोलते हैं, अंदर की बात को बोलते हैं अभ्यंतर। अनुसूया में क्या गलती है? अनुसूया में तो गलती है ही सही, लेकिन अनुसूया तो और जबरदस्त काम करती है, क्योंकि अनुसूया अपना नाम ऐसे लिख देती है, कैसे? अनुसूया, देखा होगा आप लोगों ने। ये शब्द भी साथियों अशुद्ध हैं, और ये तो अशुद्ध है ही सही, मैं तो अशुद्ध ही लिख रहा हूं इधर तो पूरे के पूरे, लेकिन अनुसूया और अनुसूया भी गलत है। बहुत सारे बैनरों पे, होर्डिंगों पे मैंने देखा है ये नाम अनुसूया लिखा रहता है, तो गलत हो जाएगा, अनुसूया नहीं होता। अनधन असूया से शब्द बनता है अनसूया। असूया का मतलब होती है जलन, असूया का मतलब होती है ईर्ष्या, और जिसमें ईर्ष्या नहीं है वही अनसूया है। तो अनधन असूया से शब्द क्या बनता है? अनसूया बनता है। अगला शब्द देखो आप, अनाधिकार। अनाधिकार नहीं होता तो फिर क्या होता है? अनधन अधिकार से अनधिकार होता है, केवल अनधिकार। शब्द बना किससे है अनधिकार? ये अन होता है हलंत वाला, और इसके बाद आता है हमारा अधिकार। अन हमारा उपसर्ग है, और अन उपसर्ग लगने से अनधिकार शब्द बनता है। अन उपसर्ग लगने से ही अनसूया शब्द बनता है, और फिर जब अनधिकार हो गया तो फिर अनाधिकृत भी क्यों होगा? क्या होगा? अनधिकृत। ध्यान देना, बोलने वाले लिखने वाले ही अशुद्ध लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, अनाधिकार करते रहते हैं, अनाधिकृत सामग्रियां।
ऐसे शब्दों को बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं लोग, लेकिन आप लोग याद रखना कौन से शुद्ध होंगे। इस साइड वाले हमारे पूरे शब्द शुद्ध हैं और ये वाले अशुद्ध हैं। चलो देख लीजिए सारे शब्दों को एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं। चलो देखो, हाँ, अंतर चेतना, क्रोधित, अभिशापित, आकर्षित, त्रसित, ग्रसित, व्यापित, संयमित, प्रफुल्लित। हाँ, ईमानदारी से बताओ और पूरे मन से बताना कि कितने शब्द आपको अशुद्ध लग रहे हैं, कितने शब्द आपको शुद्ध दिखाई दे रहे हैं इसमें से, बोलो। देखो, पहली बात तो इनमें से एक भी शब्द शुद्ध नहीं है, और दूसरी बात ये कि दूसरी कुछ बात ही नहीं है, जो है यही है। देखिए, अंतस चेतना होता है ना कि अंतर चेतना, इसकी जगह शब्द क्या होता है, अंतस चेतना। अगर आप लोगों ने विसर्ग संधि सावधानी के साथ पढ़ी हुई है, मेरे द्वारा पढ़ाई हुई, तो वहाँ इस प्रकार के शब्द आपको मिल जाएंगे। जो हमारा विसर्ग है वो स में जाता है कई बार, र में जाता है कई बार, किसी और वर्ण में चला जाता है, तो अंतस चेतना होगा ना कि अंतर चेतना। क्रोधित तो आप लोगों को मेरा मानना जहाँ तक है वो शुद्ध ही लग रहा होगा। क्या क्रोधित, क्रोधित हो गए महात्मा जी, श्राप दे दिया है ना, अभिशापित कर दिया। ना तो श्राप होता ना कोई अभिशापित होता, और ना महात्मा जी क्रोधित होते, तो फिर क्या होते हैं, महात्मा जी खाली क्रुद्ध होते हैं। क्या होते हैं, क्रुद्ध होते हैं, और फिर अभिशापित भी नहीं करते, क्या करते हैं, अभिशप्त करते हैं, अभिशप्त करते हैं, ना कि अभिशापित। अभिशापित कोई शब्द नहीं होता मित्रों, होता क्या है, अभिशप्त शब्द होता है, और अभिशप्त का मतलब होता है जिसको श्राप दे दिया गया हो, और श्राप भी नहीं होता। सबसे मुख्य बात तो मैं आपको बताऊं, आप लोग श्राप दे देते हैं कि जा मेरे श्राप लगेंगे तुझे, नहीं लगेंगे, मत देना अब श्राप, क्या देना, साप देना। अरे मत देना, मैं तो यूं बोल रहा हूँ यार, आप किसी को साप मत देना, एक तो साप देने से लग जाए किसी को, इसलिए मत देना, साप है साप, श्राप नहीं, ये शब्द अशुद्ध है, ये गलत है, श्राप नहीं होता। बोला जाता है, आप कहोगे कि जी हमने तो श्राप ही सुना है आज दिन तक, अच्छा लॉजिक है आपका भी, आप भी क्या करो, आप भी गलत तो हो नहीं, जो सुनोगे जो देखोगे वो कहोगे, लेकिन कम से कम अब तो बदलाव करना। अरे जब मैं शुद्ध चीज़ें ही आपको बता रहा हूँ, तो फिर आप भी उनको ग्रहण करने की कोशिश तो थोड़ी करना। मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि श्राप नहीं होता, फिर भी आप कहोगे कि जी होता है, हमने तो श्राप ही सुना है, तो फिर वो आपकी मर्जी है, बाकी श्राप नहीं होता, तो फिर श्राप की जगह होता क्या है, साप होता है। अभिशापित नहीं होता, अभिशप्त होता है। शापित एक फिल्म का नाम भी था, एक आई थी शापित, तो वो नाम भी गलत था व्याकरण की दृष्टि, उन्होंने रख दिया, वो एक अलग बात है, उसकी जगह शब्द क्या आएगा, सप्त, क्या आएगा, सप्त आएगा, या फिर अभिशप्त आएगा। चलो, जिसपे सांप लग गया हो, जिसपे सांप दे दिया गया हो, जिसको आकर्षित, अरे वाह, आकर्षित को तो कोई गलत मानने को तैयार ही नहीं होगा। अरे सच बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, आकर्षित तो इतना प्रयोग में लिया जाता है, इतना ज्यादा कि इसकी तो फोटो ही शुद्ध ही लगती है कि हाँ यार आकर्षित तो सही है, ये तो मास्टर ही गलत है। अरे नहीं है, मास्टर सही हूँ, आप लोग मानो या मत मानो, मतलब सही पढ़ाता हूँ, सही हूँ नहीं हूँ ये एक अलग बात है, लेकिन कम से कम पढ़ाने वाली चीज़ें तो मैं सही बताने का ही प्रयास करता हूँ। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आकर्षित शब्द आपने भले ही अब तक जीवन में यही पढ़ा हो, लेकिन ये गलत है, और गलत है तो गलत ही है, फिर सही कौन सा है, तो मैं हूँ ना यार, मैं बता रहा हूँ सही कौन सा है। आकर्षित नहीं होता, इसकी जगह शब्द होता है आकृष्ट। अब आप लोग आकर्षित करने के चक्कर में मत रहना, किसी को आकृष्ट करना है ना, करोगे जरूर, मतलब तो आकर्षित नहीं, आकृष्ट, क्या करोगे, आकृष्ट करोगे। और त्रसित, अरे नहीं, बिल्कुल त्रसित बोलते हैं नहीं, बोलते तो हैं लेकिन होता नहीं है, तो फिर होता क्या है, त्रस्त होता है, त्रस्त होता है, जनता त्रस्त है, पैसे मर रही हैं, भूखे मर रही हैं, त्रस्त का मतलब दुखी, मतलब किसी चीज़ की कमी है, उनको दुखी है, या फिर उन पे कोई पीड़ा आई हुई है, त्रस्त। ग्रसित, अरे वाह, ग्रसित भी नहीं होता,
ग्रस्त होता है। क्या होता है? ग्रस्त, रोग से ग्रसित है, रोग से ग्रसित नहीं, रोग से ग्रस्त है। चलो क्या हो जाएगा? ग्रस्त, ना कि ग्रसित। व्यापत की, व्यापित की जगह क्या होगा? व्याप्त, व्याप्त मिला हुआ, संलग्न। और संयमित बिल्कुल नहीं होगा, तो फिर होगा क्या? संयत होगा साथियों। शुद्ध शब्द कौन सा होगा? संयत होगा, यानी कि जो संयम में रहे वही संयत है, ना कि संयमित। अगला शब्द आपका प्रफुल्लित है। बहुत सी बार आप पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, प्रफुल्लित नहीं, केवल प्रफुल्ल होगा। क्या होगा? केवल बहुत अधिक प्रसन्न को बोलते हैं प्रफुल्ल। वाह, मजा आ गया। जो ऐसा ही रहे हमेशा, हंसता मुस्कुराता प्रफुल्ल रहे, रहना भी चाहिए। हंसने में कौन सा पैसा लगता है? आप लोग भी हंसा करो, मैं भी हंसूंगा। चलो देख लीजिए सारे शब्दों को एक बार। इधर वाले सारे के सारे अशुद्ध है और इधर वाले सारे के सारे शुद्ध है। आप लोग चलो आगे देखें, कुछ और शब्द देखते हैं। हतोत्साहित, अनुवादित, अक्षुण्य आंसू, आयंदा अक्षुहिणी प्रहलाद और आह्लाद। क्या गलती है भाई साहब? हतोत्साहित नहीं होता तो फिर क्या होता? होता है सिर्फ हतोत्साह। हतोत्साहित नहीं होता, हतो केवल हतोत्साह होता है, ना कि हतोत्साहित। क्या होता है? हतोत्साह। अनुवादित नहीं होता, अनुदित होता है। अनुदित, अनधन उदित। अनुदित का मतलब जिसका अनुवाद कर दिया गया हो, और अनुदित का मतलब होता है जिसका उदय बाद में हुआ हो। दो अर्थ होते हैं एक ही शब्द के। किसके? अनुदित के। एक तो जिसका अनुवाद कर दिया गया हो, कोई चीज अंग्रेजी में है और उसका हिंदी में अनुवाद कर दिया तो वो अनुदित हो गई, और जिसका उदय बाद में हुआ है वो भी अनुदित होता है। चलो, इसलिए आपने सुना होगा कि अनुदित बड़े हु अनुग्रह तोरे, रामचरितमानस में ऐसी कोई पंक्ति आती है, मुझे पूरी तो याद नहीं आ रही अभी। अक्षुण्य नहीं होता, अक्षुण्य होता है। क्या होता है? अक्षुण्य। चलो अगला शब्द है आंसू। तो आंसू मेरे प्यारे मित्रों, आंसू होता है, ना कि आंसू। अरे अनुस्वार नहीं आएगा, चंद्र बिंदु आएगा। किसमें? आंसू में चंद्र बिंदु आएगा, ना कि अनुस्वार। क्या आएगा? चंद्र बिंदु। चलो देखो अगला शब्द क्या है आपका? आयंदा नहीं होता, आयंदा का मतलब होता है आने वाला समय। आयंदा, ऐसा किया तो छोड़ूंगा नहीं मैं तुमको, ऐसा बोलते हैं ना लोग। आइंदा होशियार रहना, ऐसा मत करना। तो आइंदा का मतलब आने वाले समय में। तो आइंदा नहीं होता, आइंदा होता है, आइंदा। अक्षोहिणी में क्या समस्या है? तो अक्षोहिणी में समस्या कुछ भी नहीं है। तो अक्षोहिणी में समस्या है केवल मात्रा एक की। अक्षोहिणी, अक्षौहिणी, अक्षौहिणी, अक्षधन उहिणी, सेना का प्रकार है अक्षोहिणी सेना। कौरवों ने मांगी अक्षोहिणी सेना, और पांडवों ने क्या मांगे? केवल भगवान मांगे, भगवान कृष्ण को मांगा कि हे कृष्ण जी आ जाए हमारे बहुत है। और दुर्योधन ने मांग ली अक्षोहिणी सेना। अक्षोहिणी सेना वो सेना होती है जिसके चारों अंग होते हैं, चतुरंगिणी सेना को बोलते हैं अक्षोहिणी सेना, जिसमें पैदल घुड़सवार, रथी और हाथियों पर सवार सैनिक होते हैं। चलो अक्षोहिणी हो गया। प्रहलाद में क्या गलती है? तो प्रहलाद में गलती ये है कि प्रहलाद में जो ये ल आपको दिखाई दे रहा है आधा, ये आधा नहीं आएगा, वास्तव में ये पूरा आएगा। और ये फिर किस प्रकार आएगा? प्रहलाद शब्द आपका इस प्रकार सही होगा। प्रहलाद में ल ह पे लगेगा छोटा सा, या फिर ह पे हलंत आएगा और ल में आ की मात्रा। इसी प्रकार शब्द आपका क्या है अगला? आह्लाद। और आह्लाद भी कैसा होगा? ह पे ल लगा हुआ है, और ये लो आपका आह्लाद। इस प्रकार से आपके ये सारे शब्द शुद्ध हो जाएंगे, और ये सारे के सारे अशुद्ध शब्द हैं। सारे शब्दों पे एक बार नजर डाल लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं। चलो देखो, जाह्नवी,
आरसीवाद जिव्या ब्रह्मा ब्राह्मण ब्रह्म ब्रह्मांड आत्मा तत्व महात्मा गण। क्या कमी दिख रही है भाई? कुछ नहीं, कुछ नहीं तो हो ही नहीं सकता, कमी तो है कुछ ना कुछ। फिर क्या है जरा देखिए, जाह्नवी किसको बोलते हैं? पहली बात तो जाह्नवी गंगा को बोलते हैं। जाह्नवी किसको बोलते हैं? गंगा को बोलते हैं, गंगा नदी को बोलते हैं। जाह्नवी सही कौन सा होगा? जाह्नवी भी सही यही होगा। और इसका दूसरा रूप कैसा? जाह्नवी किसका पर्यायवाची है? गंगा नदी का। आशीर्वाद में क्या समस्या है? आशीर्वाद में तो बहुत समस्या है, जहाँ भी ट्रकों वगैरह घरों वगैरह पे लिखा रहता है माँ का आशीर्वाद पिताजी का आशीर्वाद, तो गलत ही लिखा रहता है सामान्यतः। हालांकि अब लोग सही भी लिखवाने लग गए, क्यों? क्योंकि मैं टोक देता हूँ उनको। जिव्या को इस प्रकार आएगी जिह्व्या, तो जिह्व्या इसमें व आधा नहीं आकर क्या आएगा? ह आधा आता है। और ये देखो ह पे व लगा हुआ है, व छोटा सा लगा हुआ है, लेकिन ये छोटा सा व छोटा सा नहीं है, ये व तो पूरा है, ह आधा है। और ये जो मात्रा है ये भी किस पे है? व पर है। ब्रह्मा कैसे सही होगा? तो ब्रह्मा सही होगा कुछ इस प्रकार, ब्रह्मा इस प्रकार सही होगा, अर्थात ब्रह्मा में म आधा नहीं है, तो फिर आधा क्या है? आधा है ह। तो ब्रह्मा को और कैसे लिख सकते हैं? ब्रह्मा इस प्रकार से शुद्ध शब्द होगा। और इसी प्रकार ब्राह्मण ब्राह्मण भी कैसे होगा? ऐसे ह आधा आएगा। अगला शब्द है आपका ब्रह्म, तो ब्रह्म भी कैसा आएगा? ह आधा और म पूरा। चलो अगला शब्द है ब्रह्मांड, ये लो आपका ब्रह्मांड, कहीं सारे लोग इसको देखकर भ्रमित मत हो जाना, ये अनुस्वार इसके पंचम में जा सकता है, तो मैंने इसके पंचम में यानी कि ण में बदल के उसको लिख दिया, आप लोग उसके लिए चिंतित मत होना। आत्मा तत्व नहीं होता तो फिर क्या होता है? आत्म तत्व, गौर करना, मैंने यहाँ जो तत्व शब्द लिखा है इसमें तत्व मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है जो शुद्ध होगा। तत्व में डबल त आएगा, तत्व और सत्व, और इसी के साथ महत्व, तीनों शब्दों में डबल त आता है, ये भी चीज आप लोग याद रखना। आत्म तत्व होता है ना कि आत्मा तत्व। क्या शब्द होता है? आत्म तत्व और महात्मा गण नहीं, महात्म गण, महात्म गण, क्योंकि महात्मन में गण लगा हुआ है और यहाँ आत्मन में तत्व लगा हुआ है। व्यंजन लोप संधि होती है दोनों शब्दों में, जब संधि की चर्चा की थी तो मैंने वहाँ आपको बताया था, एक बार संधि का वीडियो जरूर देख लेना जिसको ये बात समझ में नहीं आई। बाकी बातें करते रहेंगे, चलता रहेगा मामला, सारे शब्दों पे आप लोग दृष्टिपात कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं। देखो इजहार इकरार इतवार इमारत ईद ईंधन ईर्ष्या और इंदौर, क्या गलती है भाई? बहुत कुछ गलती है, जरा देखते हैं क्या क्या गलती है। इजहार में हमेशा छोटा ई आता है, इजहार, और इकरार, इकरार में भी कैसा आएगा? छोटा ही आएगा। इकरार में भी कैसा आएगा? छोटा। तो इतवार भी कैसा? छोटा। और इमारत भी छोटी, इमारत भी छोटी, लेकिन ईद बड़ी। ईद कैसी? बड़ी। ईंधन में कैसी ई आएगी? ईंधन में बड़ी ई आएगी, ईंधन होता है ईंधन। ईर्ष्या में बड़ी ई आएगी ना कि छोटी ई, ईर्ष्या कैसी आएगी? बड़ी। अब इंदौर में क्या समस्या है? इंदौर में तो कुछ भी समस्या नहीं, मजे ही मजे हैं, लेकिन दो मात्रा आएगी। इंदौर में कितनी मात्रा आएगी? दो मात्रा आएगी, इंदौर होता है ना कि इंदौर। चलो आगे बढ़ें, सारे शब्दों पे आप नजर डाल लीजिए, इजहार इकरार इतवार इमारत सब छोटे शब्द आते हैं, और ईद ईंधन ईंट वगैरह बड़े आते हैं। तो याद रखना ईंट भी कैसी आती है? बड़ी आती है ईंट। चलो देखो आगे बढ़े,
उज्ज्वल आर्द्र इंद्रा उमा उषा उपरोक्त ऊर्जा उष्मा और उज्जयिनी, क्या गलतियां हैं? मैं तो बोलता रहूंगा बार बार क्या गलतियां हैं, आप लोग देखो क्या गलती है। अरे मैं कहना ये चाहता हूं कि इन ये जो शब्द है ना परीक्षा में, आप इनसे साक्षात्कार कर सकते हो, वहां ऐसे शब्द आपको मिलेंगे। किस लिस्ट में मिलेंगे? अशुद्ध वाली में। फिर आपको पहचानना क्या है? शुद्ध वाला। तो इनके बीच में ही कोई ना कोई शुद्ध दे दिया जाएगा, तो मैं शुद्ध रूप इनका इधर लिखता हूं। तो आप लोगों को वही बात है कि मैं वही बता रहा हूं कि आपको वही पढ़ना है जो मैं बता रहा हूं। अब आप लोग पढ़ो उसको, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, समझो बात को, है ना। हाँ चलो, उज्ज्वल सही कौन सा होगा? उत्धन ज्वल से शब्द बनता है उज्ज्वल, और दोनों ज आधे आते हैं। दोनों ज कैसे? आधे आएंगे दोनों ज, और आधे ही आएंगे। आर्द्र नहीं होता, आर्द्र होता है आर्द्र, नीचे भी र निकलेगा। इंदिरा नहीं होती तो क्या होती है? इंदिरा, और पर्यायवाची है लक्ष्मी का, और इसी के साथ एक शब्द और होता है इंदिरा, और इंदिरा पर्यायवाची है किसका? सची का। और सची कौन है? सची है इंद्र की पत्नी, इंद्र की पत्नी को सची कहते हैं, और इंदिरा इंद्र की पत्नी को कहते हैं, लेकिन इंदिरा लक्ष्मी को कहते हैं। चलो, और उमा, उमा में छोटा ऊ आता है ना कि बड़ा ऊ। अगला उषा नहीं होता, उषा होती है उषा, उषा बोलते हैं सवेरे को। उमा हो गई, उषा हो गई, उपरोक्त बिल्कुल जो सरकारी दफ्तर होते हैं, जो सरकारी कार्यालय होते हैं, उनके पत्रों में लगभग ये उपरोक्त शब्द मुझे अशुद्ध ही मिला आज तक, जितने भी देखने को मुझे मिले। लिखने वाले, टाइप करने वाले बाबू जो लोग होते हैं, वो सारे उपरोक्त ऐसा ही कुछ लिखते हैं। ध्यान देना, उपरोक्त बिल्कुल गलत शब्द है, शब्द ही नहीं बनता इस प्रकार से। उपरोक्त नहीं, उपर्युक्त होता है। ऊपरी धन उक्त से शब्द बनता है, यह संधि होती है, और शब्द क्या बन जाता है? उपर्युक्त बनता है। ऊर्जा, ऊर्जा में बड़ा ऊ आता है, ऊष्मा में भी बड़ा ऊ आता है, ऊर्जा में बड़ा आता है, तो इसके साथ ऊष्मा में भी कैसा बड़ा होता है। उज्जयिनी में क्या गलती है? तो उज्जयिनी में गलती है प्यारे साथियों, उज्जयिनी होता है उज्जयिनी नहीं। देख लीजिए आप सारे शब्दों को, मैंने क्या बताया? उज्ज्वल का डबल ज, आधे आएंगे दोनों। आर्द्र इंदिरा उमा उषा उपर्युक्त ऊर्जा उष्मा और उज्जयिनी, कुछ इस प्रकार से शब्दों का निर्माण हो जाता है। चलो देखिए आगे देखते हैं। अगला शब्द है आपका उत्तरदायी उल्लेखित उपलक्ष गण गणमान्य उहापोह उर्दू उपन्यासिक अय्यास और औद्योगिक, क्या गलतियां हैं? गलतियां तो हैं कुछ ना कुछ, जरा देखते हैं। उत्तरदायी सही कौन सा होगा? उत्तरदायी होता है उत्तर दाई, उत्तर देने वाला, यानी कि जिसकी जिम्मेदारी बनती है उत्तर देने की, वही उत्तरदायी है। उल्लेखित, उल्लेखित नहीं होता, लेख हो जाता है, क्या हो जाता है? उल्लेख हो जाता है, और क्या हो जाता है? उल्लिखित हो जाता है, इसकी जगह शब्द क्या हो जाता है? एक तो इसकी जगह शुद्ध शब्द कौन सा होगा? केवल उल्लेख, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? उल्लिखित, लेकिन क्या नहीं होगा? उल्लेखित, क्योंकि उत्धन लिखित से शब्द बनता है उल्लेखित, उल्लिखित और उत्धन लेख से शब्द बनता है उल्लेख, लेकिन उत्धन लेखित से कोई शब्द नहीं बनता, इसलिए हमारा उल्लिखित हो जाएगा, उल्लेख हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं होगा? उल्लेखित, याद रखना। चलो, उपलक्ष नहीं होता, उपलक्ष्य होता है। उपलक्ष नहीं होता, क्या होता है? उपलक्ष्य होता है। गण मान्य नहीं, गण्य मान्य हो, क्या होता है? गण्य मान्य। ऊहापोह में क्या समस्या है? तो ऊहापोह में बड़ा ऊ आता है। ऊहापोह किसको कहते हैं? ऐसी स्थिति, क्या करूं क्या ना करूं, ये जब समझ में ना आए, यानी कि असमंजस की स्थिति उत्पन्न जीवन में यदि हो जाए, कुछ करने को ना सूझे, वही ऊहापोह है। चलो, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व में भी बड़ा ऊ आता है। ऊर्ध्व का मतलब ऊपर उठा हुआ, ऊर्ध्व ऊपर की ओर। उपन्यासिक क्यों गलत है? जब उपन्यास शब्द था तो उसमें
एक प्रत्यय लगाने से औपन्यासिक शब्द बन गया। एक प्रत्यय लगाने से शब्द क्या बना? औपन्यासिक। औपन्यासिक, उपन्यास में क्या लगाया ध्यान देना, एक प्रत्यय। और ये जो एक प्रत्यय लगता है ये पीछे की ध्वनि में तो बदलाव करता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ ये शुरुआत वाली ध्वनि में भी बदलाव कर देता है। और इसके नमूने आप लोगों ने देखे होंगे कि जब हम समाज में एक लगाते हैं, समाज में क्या लगाते हैं, एक लगाते हैं तो सामाजिक नहीं बनता, क्या बनता है? सामाजिक बनता है। सामाजिक नहीं बनकर क्या बनता है? सामाजिक लगाते, सामाजिक बन जाता है। बात कर रहा था आपसे किसकी, समास में एक लगाने से शब्द क्या बन जाता है? सामासिक बन जाता है। उसी तरह उपन्यास में एक लगाने से क्या बन गया हमारा? औपन्यासिक शब्द बन गया। अब गौर करना आप, अय्यास में क्या गलती है? तो शब्द अय्यास नहीं होता मित्रों, शब्द होता है अय्यास। क्या होता है? अय्यास होता है, ना कि अय्यास। अय्यास होता है, ऐनक वाला आता है अय्यास में, अय्यास होता है। और अय्यास का अर्थ क्या होता है? अय्यास का अर्थ होता है अय्यासियां करने वाला, मजे लेने वाला। अय्यासियां करने वाला क्या कहलाता है? अय्यास कहलाता है। चलो देखिए अगला शब्द है आपका कौन सा? औद्योगिक। तो औद्योगिक ये भी उद्योग में एक लगने से शब्द बना है, तो यहां भी क्या होगा? औद्योगिक होगा। उद्योग में एक लगने से जिस प्रकार उपन्यास में एक लगने से औपन्यासिक बना है, उसी प्रकार उद्योग में एक प्रत्यय लगने से क्या शब्द बना हमारा? औद्योगिक बना है। सारे शब्दों पे एक बार दृष्टिपात कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं। चलो देख लीजिए एक बार। हाँ, सौंदर्यकरण, वृद्धिकरण, शुद्धिकरण, संक्षिप्तिकरण, सशक्तिकरण, मानवीकरण, कंटीला और कनिष्ठ, देख लो क्या गलत लग रहा है? कुछ नहीं, सब मजे में। नहीं, सौंदर्यकरण नहीं होता प्यारे बच्चों, होता क्या है? सौंदर्यकरण होता है। क्या होता है? सौंदर्यीकरण होता है। सुंदर बनाने की प्रक्रिया को सौंदर्यीकरण कहते हैं, ना कि सौंदर्यीकरण। और वृद्धिकरण में क्या समस्या है? तो वृद्धिकरण में समस्या यह है कि इस वृद्धिकरण में मात्रा जो आएगी, करण जुड़ने के बाद सामान्यतः मात्रा बड़ी एक ही हो जाती है। जब ये करण शब्द पीछे जुड़ता है तो मात्रा कैसी हो जाती है? बड़ी एक ही हो जाती है। तो वृद्धिकरण में बड़ी एक ही मात्रा, तो शुद्धिकरण में भी कैसी होगी? बड़ी ई की ही मात्रा होगी। अगला शब्द आपका संक्षिप्तीकरण है, तो आपका संक्षिप्तीकरण भी कैसा हो जाएगा? बड़ी ई की मात्रा वाला हो जाएगा। संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्त करने की प्रक्रिया होती है, छोटा करने की प्रक्रिया होती है संक्षिप्तीकरण। वृद्धिकरण बड़ा करने की प्रक्रिया। सशक्तिकरण, ये सशक्त बनाने की, मजबूत बनाने की प्रक्रिया, सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण भी कैसा हो जाएगा? अब बड़ी ई की मात्रा वाला सशक्तिकरण हो जाएगा। मानवीयकरण बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या होगा? मानवीकरण होगा, केवल मानवीकरण। बाकी आप सोच सकते थे यहां तो कि मानवीयकरण में तो ई भी बड़ी है, और जब मानवीय आ गया तो पीछे करण नहीं जुड़ेगा और केवल मानवीय से ही काम चल जाता, लेकिन मानवीकरण शब्द आपका हो जाता है। कंटीला, कांटेदार को बोलते हैं कंटीला, और कंटीला में मात्रा जो है वो बड़ी ई की आएगी, ना कि छोटी ई की। फिर कनिष्ठ में क्या समस्या है? कनिष्ठ में समस्या, ट अल्प प्राण नहीं आएगा, ठ महाप्राण आएगा। कनिष्ठ में क्या आएगा? ट अल्प प्राण की जगह पर ठ महाप्राण का प्रयोग होगा, तो आपका कनिष्ठ सही हो जाएगा। सारे शब्दों पर आप लोग दृष्टिपात कीजिए और फिर बढ़ते हैं आगे, कुछ और शब्द देखते हैं। चलो देखो, हाँ जी, वरिष्ठ, गरिष्ठ, बलिष्ठ, स्वादिष्ट, घनिष्ठ, वशिष्ठ, विशिष्ट, कुष्ठ, धोखा और धनाढ्य, सारे शब्द हैं, जाने पहचाने हैं, देखे हुए हैं सारे के सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखे भी हुए हैं, अपनी जान पहचान के हैं, तो इनको एक बार और देख लेते हैं, देखें। चलो देखें वरिष्ठ में क्या समस्या है, फिर बता रहा हूं, वरिष्ठ हो, घनिष्ठ हो, बलिष्ठ हो, स्वादिष्ट हो,
सब में ठ महाप्राण आएगा, ना कि ट अल्प प्राण। गरिष्ठ भी कैसा होगा, ठ वाला गरिष्ठ, न कि गरिष्ठ, बलिष्ठ, ये लो बलिष्ठ, बलिष्ठ। अगला स्वादिष्ट, स्वादिष्ट। चलो अगला शब्द कौन सा, घनिष्ठ, घना में इष्ट लगा हुआ है, घनिष्ठ, घनिष्ठ। वशिष्ठ एक ऋषि का नाम था, ऋषि वशिष्ठ। और अब इसमें क्या समस्या है, विशिष्ट, शिष्ट में वी लगा हुआ है, शिष्ट में क्या लगा हुआ है, शिष्ट था और उसमें उपसर्ग जोड़ दिया क्या, वी, और शब्द क्या बन गया, विशिष्ट हो गया। कुष्ठ में क्या समस्या है, तो कुष्ठ में ठ आता है, ना कि ट अल्प प्राण, ठ महाप्राण आएगा। अरे धोखा, ऐसा धोखा मत देना किसी को, नहीं तो धोखा खाने वाला मर जाएगा, धोखा ऐसा देना। अरे मैं तो यूं ही मजाक कर रहा हूँ, मत देना किसी को धोखा, देना अच्छी बात नहीं है यार। हालांकि फिर भी लोग धोखा दे ही देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि धोखा नहीं देते। धनाढ्य में क्या गलती है, तो धनाढ्य में ये ड नहीं ढ आएगा, यानी कि ड की जगह क्या आएगा, ढ आएगा, डमरू वाले की जगह ढक्कन वाला आएगा। चलो देख लीजिए, धनाढ्य हो गया, सारे शब्द आपके समक्ष आ गए। कौन कौन से सही होंगे, ये वाले सही होंगे और वो वाले गलत होंगे, सारे शब्दों को आप एक लोग देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और शब्द देखते हैं। हाँ, गौतम, क्षेत्र, नेत्र, रेन, संजू, मंजू, घंटी, घंटा, संजय और चंचल। हाँ, क्या क्या हो जाएगा, गौतम, सबसे पहले तो गौतम होता है, ना कि गौतम, इसमें कभी भी त डबल नहीं आएगा, गौतम होता है गौतम, दो मात्राएं ग पे आएगी। क्षेत्र में एक ही मात्रा आती है, याद रखना, और नेत्र में भी कितनी, एक मात्रा, क्षेत्र में एक मात्रा, नेत्र में एक मात्रा, लेकिन रैन में दो मात्रा। रैन किसको बोलते हैं, रैन बोलते हैं रात्रि को, रैन किसको बोलते हैं, रात्रि को बोलते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा रैन बसेरा, यानी कि जहाँ रात्रि में सोया जा सके, रहा जा सके, वो जगह होती है। रैन बसेरे बने रहते हैं शहरों में, गाँव में, गाँव में तो नहीं बने रहते, लेकिन शहरों में बने रहते हैं, बड़े बड़े जो नेता वगैरह है, वो रैन बसेरे बनाए रखते हैं लोगों की सुविधा के लिए। जो अजनबी लोग आते हैं, जो रहने के लिए जिनको जगह नहीं मिलती, वो रैन बसेरे में सो जाते हैं। तो रात्रि में जहाँ बसेरा किया जा सके, जहाँ रुका जा सके, रैन हो गया। संजू, मंजू, घंटी, घंटा, संजय, चंचल में क्या गलती है भाई, अरे गलती यही है कि इनमें किसी में भी न नहीं आएगा, या तो इनका पंचम आना चाहिए, या फिर इसकी जगह क्या आना चाहिए, अनुस्वार आना चाहिए। क्या आना चाहिए, अनुस्वार। तो संजू सही कौन सा होगा, संजू पहली बात तो ये सही हो जाएगा, और दूसरा संजू यदि लिखें तो संजू कुछ इस प्रकार से सही होगा, यानी कि ज का पंचम ये होता है, च छ ज ज ये, तो ये आ सकता है, तो ये भी संजू सही है और ये भी संजू सही है। इसी प्रकार मंजू में भी क्या आएगा, पहली प्रायिकता तो अनुस्वार को दी जाएगी, और इसको भी पूरी की पूरी प्रायिकता है, और मंजू भी किस प्रकार हो जाएगी, इस प्रकार हो जाएगी। हाँ, घंटी की क्या समस्या है, तो घंटी में या तो आप ट का पंचम लिखो, तो ट का पंचम क्या होता है, ट ठ ड ढ ण, तो ण आ जाएगा, या तो आधा, या फिर कैसे लिखेंगे, अनुस्वार के साथ लिख देंगे, दोनों सही है। इधर वाले जो लिख रहा हूँ वो सारे के सारे शुद्ध ही है। और घंटा कैसा होगा, तो घंटा ऐसा होगा, कैसा, ऐसा, और इसके अलावा और कैसा होता है, घंटा ऐसा भी होता है, यानी कि इसमें अनुस्वार आ जाएगा। अगला शब्द है संजय, तो संजय कैसा होगा, एक तो अनुस्वार वाला संजय है, और दूसरा संजय यही पंचम वाला जिसमें ज का पंचम आएगा, संजय। और फिर समस्या किसकी, चंचल की, तो चंचल की समस्या भी समाधान करेंगे, तो चंचल कैसी होगी, चंचल कुछ इस प्रकार से होगी, ये लो साहब, ये संजय भी हो गया और चंचल भी हो गई। चलो देखो, हाँ
अब ये सारे शब्द अशुद्ध हो जाएंगे और ये सारे के सारे शब्द किस प्रकार के हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। तो सारे शब्दों को एक बार आप लोग देख लीजिए, फिर चर्चा करेंगे कुछ और शब्दों के बारे में। तो देखो, अगले शब्द हैं आपके समक्ष चरमोत्कर्ष हैं, चातुर्यता सौंदर्यता एक्यता कालिदास खेती हर गत्यावरोध गत्यार्थ आंधी और गांधी। सारे के सारे शब्द आपको देखने में शुद्ध लग सकते हैं, लेकिन क्या बोल रहा हूं, लेकिन अशुद्ध ही हैं। तो शुद्ध रूप कौन सा है इनका जरा देखना। चरमोत्कर्ष का शुद्ध रूप क्या हो सकता है? चर्म धन उत्कर्ष नहीं होगा, चरम धन उत्कर्ष होता है। एक तो होता है चर्म, और चर्म का अर्थ क्या होता है? त्वचा होता है। चर्म किसको बोलते हैं? त्वचा को बोलते हैं। और एक शब्द इसकी जगह होता है चरम, और चरम होता है आखिरी। चरम किसको बोलते हैं? आखिरी को बोलते हैं, आखिरी अंतिम, अंतिम को बोल देते हैं चरम, अंतिम बिंदु, समाप्ति की ओर जो हो। चरम सीमा आ गई इसकी, अब समाप्त होने वाली है। तो अब आप खुद ही विचार कीजिए कि यहां चर्म का उत्कर्ष आता है या चर्म का, यानी कि चर्म का आता है या चरम का, उत्कर्ष किसका आता है। यानी कि कोई अपनी सफलता के पीक पे हो, पूरी चोटी पर हो, अंत में हो, यानी कि वहां से या तो लुढ़क जाएगा या फिर बना रहेगा, वो एक अलग बात है। चरमोत्कर्ष किसको बोलते हैं? यानी कि अपने उठने का जो उत्कर्ष, वो अंतिम बिंदु जहां आ जाए चरमोत्कर्ष, वो अंतिम सीमा, उसको बोलते हैं। तो चमड़ी वाला तो आएगा नहीं, फिर कौन सा आएगा? चरम ये आएगा। तो चरम जब ये आएगा तो फिर आधा आधा र वाला म क्यों आएगा? चरमोत्कर्ष होगा, चरमोत्कर्ष, चरम धन उत्कर्ष। गुण संधि आपकी हो रही है। चातुर्यता बिल्कुल नहीं, या तो क्या होगा, या तो चातुर्य होगा, चतुर में यज्ञ लगने से या तो चातुर्य बन जाएगा, या फिर इसकी जगह क्या होगा, केवल चतुरता, केवल क्या होगी, चतुरता होगी, या फिर चातुर्य हो जाएगा। लेकिन चातुर्यता यानी कि दो प्रत्यय कभी भी नहीं लग सकते जो भाववाची संज्ञा बनाएंगे। चलो ये हो गया, आगे बढ़े। सौंदर्यता, जो बात चातुर्यता की है वही बात सौंदर्यता की है, या तो आपका सौंदर्य हो जाएगा या फिर आपकी क्या हो जाएगी, सुंदरता। या तो क्या होगा, सौंदर्यता, सौंदर्यता नहीं होगा, या तो सौंदर्य होगा या फिर केवल सुंदरता होगी, ना कि सौंदर्यता। फिर यहाँ यज्ञ भी भाववाची बना रहा है और ता भी भाववाची बनाने का काम करता है। यही मामला किसके साथ है? एक्यता के साथ। या तो एक्य हो जाएगा या फिर आपकी एकता हो जाएगी, या तो एक में यज्ञ प्रत्यय लगने से एक्य बन जाएगा, या फिर एक में यज्ञ प्रत्यय लगने से एकता बन जाएगा, लेकिन एक्यता कभी नहीं होगा। अगला शब्द कालिदास है, याद रखना साथियों, कालिदास काली के दास को बोलते हैं, और कालिदास में हमेशा छोटी ई की मात्रा आती है। कालिदास में कैसी मात्रा आएगी? छोटी ई की मात्रा आती है। और इसी प्रकार खेती हर में भी कैसी मात्रा आती है? छोटी ई की मात्रा आती है। खेती में बड़ी ई की मात्रा आती है, काली में बड़ी ई की मात्रा आती है। याद रखना, काली शब्द ये शुद्ध होगा और खेती भी कौन सी शुद्ध होगी? ये शुद्ध होगी, लेकिन कालिदास और खेती हर में मात्रा कैसी आएगी? छोटी आएगी। गत्यावरोध और गत्यार्थ क्या मामला है? गति धन अवरोध से शब्द बना है, तो गत्यावरोध क्यों होगा? गत्यवरोध होगा, गति धन अवरोध, गत्यवरोध, यानी कि गति का अवरोध करने वाला, गत्यवरोध। और गत्यार्थ नहीं, गत्यर्थ, गति धन अर्थ। यहां भी यह संधि हो रही है। आंधी, तो आंधी में क्या समस्या है? आंधी में चंद्र बिंदु नहीं, सॉरी अनुस्वार नहीं, चंद्र बिंदु आता है। और इसी प्रकार गांधी में भी क्या आता है? गांधी में भी चंद्र बिंदु आता है, ना कि अनुस्वार। देख लीजिए सारे शब्दों पे एक बार आपकी नजर डाल लीजिए, और फिर बढ़ते हैं कुछ और शब्दों के साथ आगे। देखिए, गुणीगण गोपे निये मिंट ग्रहणी चावल चांद चारुताई चिकित्सा छ और छिपी छिप किली। वाह, देखो गुणीगण क्या होता है? गुणीगण
गुण वाले जो लोग होते हैं, जिनमें अच्छे अच्छे गुण होते हैं, उनका समूह ही गुणीगण है। अब गुणीगण में क्या समस्या है? तो गुणीगण में समस्या ये है कि गुणीगण में मात्रा छोटी ई की आती है। देख ही लीजिए, गुणीगण ये होगा और गोपनीय नहीं होगा बिल्कुल भी, फिर क्या होगा? या तो गोप्य होगा या फिर गोपनीय, या तो क्या होगा? गोप्य होगा या गोपनीय होगा। मिनट नहीं होता, मिनट होता है। मिनट नहीं होता, आया अभी मैं एक मिनट में आया, एक मिनट में नहीं एक मिनट में आना आप लोग, है ना? तो मिनट भी नहीं होता, फिर क्या होता है? मिनट होता है, मिनट, मिनट नहीं मिनट। चलो, गृहिणी में क्या समस्या है? अरे गृहिणी में समस्या यही है, गृहिणी होता है ना कि गृहिणी, घर का काम करने वाली। चावल में ना कोई अनुस्वार आता है ना कोई चंद्र बिंदु आता है, चावल होता है, केवल चावल, चावल नहीं चावल। हाँ, अगला, इस चांद का मुकाबला क्या होगा उस चांद के आगे? तो कुछ भी नहीं होगा मुकाबला, चांद में अनुस्वार नहीं चंद्र बिंदु आता है, और इसका तत्सम रूप चंद्र होता है, ये तद्भव रूप है चांद, तो चांद में क्या आ जाएगा? चंद्र बिंदु। चारुताई, अरे चारुताइयों की बात नहीं हो रही है, चारुता, या तो चारुता होगा, चारुता का मतलब होती है सुंदरता, क्या होता है? सुंदरता होता है, तो केवल चारुता ना कि चारुताई। चिकीर्षा में क्या समस्या है? तो चिकीर्षा में समस्या है मात्रा की, और चिकीर्षा में क में बड़ी ई की मात्रा होगी, और चिकीर्षा का अर्थ आपसे अपेक्षित हैं कि आप लोग बताइए चिकीर्षा का अर्थ क्या होता है, मैं तो फिर बताऊंगा ही सही, बाकी आप लोग एक बार कोशिश कीजिए। चिकीर्षा शब्द का सामना आप पहले कर चुके हैं, अगर आपने निरंतर अपने वीडियो देखे हैं तो ये शब्द आपके सामने जरूर आया होगा, कौन सा? चिकीर्षा। अगला शब्द छह, ये तो मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, बता चुका हूँ, बताता रहता हूँ कि छह होता है ना कि छह के बाद विसर्ग। छिपकली नहीं होता, छिपकली होता है, छिपकली ना कि छिपकली। ये एक इतना खतरनाक जानवर माना जाता है, कौन? छिपकली, जिससे सामान्यतः लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। अगर किसी लड़की को छिपकली दिख गई तो आप सोच सकते हैं कि जितना डर जंगल में शेर को देखकर नहीं लगता, एक लड़की को उतना डर एक छिपकली नामक बहुत खतरनाक प्राणी से लगता है। बहुत ज़्यादा डर जाती हैं बेचारी लड़कियां, क्या करें। हालांकि बहुत सारी नहीं डरती, गांव की लड़कियां ऐसे पूंछ पकड़ के पछाट भी देती हैं, लेकिन सामान्य तो लड़कियों का एक फैशन है छिपकली से डरना। अगर वो नहीं डरी तो फिर ये भी कोई लड़की है क्या? छिपकली से नहीं डरी, मतलब पहचान है लड़कियों की कुछ ऐसे विशेष। बुरा मत मानना लड़कियों, मजाक के लिए बोल रहा हूँ खाली, हालांकि आप डरती हो छिपकली से। तो छिपकली हो गया आपका। अगला शब्द कौन सा? अगला शब्द तो आगे देखेंगे, सारे शब्दों को आप लोग देख लीजिए। ज्येष्ठ छठवां छिद्रान वैसी जरूरत चिदाणु जुखाम ज्योत्सना झांसी और झोंपड़ी, क्या गलती है भाई? सारे शब्दों पे आप लोग नजर डाल लीजिए, कौन कौन से शब्द आपको गलत लग रहे हैं, कौन से आपको सही लग रहे हैं। तो ज्येष्ठ में क्या गलती है? देखिए, ज्येष्ठ ये नहीं होता, तो ज्येष्ठ होता है ये वाला, जय भी आधा होता है यज्ञ पे लगा होता है, और ज्येष्ठ ये होता है। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा, और ज्येष्ठ एक महीना भी आता है, जेठ का महीना जिसको बोलते हैं, अषाढ़ से पहले आता है, चेत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो आसोज काती आगण पोषमा फागण, ये हमारे महीने हैं जिनको हमारी राजस्थानी भाषा में कुछ इस प्रकार से बोला जाता है। 12 महीनों के हिंदी नाम हैं, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को ये नाम याद नहीं होंगे, फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ आपके लिए एक बार, चेत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादो आसोज काती आगण पोषमा फागण। तो क्या क्या हो गया इनका? तो मैं कर रहा था महीनों की बात, चेत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादवा आसोज काती आगण पोषमा फागण, ये 12 महीने हो गए, केवल बोलूंगा लिखूंगा नहीं, बाद में लिखूंगा कभी। छठवा में क्या गलती है? छठवा कुछ होता ही नहीं है, फिर क्या होता है? छठा, छह नंबर का जो होता है वो होता है छठा। छिद्रान वेशी में क्या गलती है? छिद्रान वेशी,
छिद्रान्वेषी में ये गलती है, स षटकोण वाला आएगा ना कि सलजम वाला। और छिद्रान्वेषी का अर्थ क्या होता है, ये जो दूसरों में गलतियां ढूंढता रहता है हमेशा, दूसरों में गलतियां ढूंढने वाला, जो दूसरों में हमेशा ही गलतियां ही ढूंढे, उसको किसी का कोई गुण ही नजर ना आए, केवल क्या नजर आता है, केवल गलतियां नजर आती हैं कि इसने क्या गलती करी, छोटी छोटी गलतियों को वो देखने बैठ जाता है, वो होता है छिद्रान्वेषी, दूसरों की कमियां ढूंढने वाला। अच्छी आदत नहीं है छिद्रान्वेषणा। जरूरत में क्या गलत है, तो जरूरत जरूरत होता है, बड़े ऊ की मात्रा आएगी। चिदाणु में क्या समस्या है, चित धन अणु से शब्द बना है, चित धन अणु से, तो चिदाणु क्यों होगा मित्रों, चिदणु होगा, क्या होगा, चिदणु, चिदणु शब्द सही होगा हमारा, कौन सा, चिदणु। जुखाम नहीं होता, जुकाम होता है, जुखाम नहीं जुकाम होता है, खा नहीं का होता है। ज्योत्सना, अरे ये तो बहुत सी बार शब्द आया है, ज्योत्सना में त भी आधा और स भी आधा, और ज्योत्सना किसको कहते हैं, तो ज्योत्सना कहते हैं चांद के प्रकाश को बोलते हैं, चांदनी को ज्योत्सना बोलते हैं, चंद्रिका को बोलते हैं, चांद का जो उजाला है उसको ज्योत्सना कहते हैं। अगला शब्द है कौन सा, झांसी। तो आप लोगों को पता है कि जो झांसी की रानी है वो भाग फिरंगी भाग कहती हैं, झांसी की रानी आई, भाग भाग रे भाग फिरंगी। और झोपड़ी में ना तो कोई अनुस्वार आता है, ना कोई दो मात्रा आती है, केवल एक मात्रा आती है और झोपड़ी सही हो जाती है। तो अब ये झोपड़ी सही हो गई, और झोपड़ी क्या, सारे शब्द सही हो गए, ये जितने भी मैंने इधर लिखे थे वो सारे के सारे मैंने आपको इनका शुद्ध रूप भी बता दिया, तो आप लोग ध्यान रखना अब, और सारे शब्दों को देखते रहना, पढ़ते रहना और सीखने की कोशिश करते रहना। समाप्त करता हूँ इस प्रकरण को अभी के लिए यहीं पर, इसके आगे का पाठ लेके मिलता हूँ अगले वीडियो में फिर आप लोगों से। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और टेंशन मत कीजिए। आप लोग यूँ मत सोचिए कि एग्ज़ाम आ गया अब क्या करें, अब कुछ भी नहीं होने वाला, जो होगा वो करेगा। आप लोग बस निरंतर प्रयास करते रहिए, सफलता आपके पास जरूर आएगी। चलिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।